जय श्री कृष्णा गाइस, मैं हूँ आप सबकी मायरा। आई होप सो आप ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ, आप कैसे, आप बताइए। तो आज का ब्लॉग होने वाला है ज्वेलरी बॉक्स, जिसमें मैं ज्वेलरी वाला बॉक्स लाई हूँ। तो अब इसको ओपन करिए, चलिए इसको ओपन करते हैं इधर से। और मैं अपने हेयर पिंस डालूंगी इसमें। तभी ज्वेलरी का बॉक्स मंगवाया है क्योंकि मैं अपनी वो पिंस, हेयर पिंस, ये गाने वाले क्या बोलते हैं उनको, बताए हाँ, वो झुमके जैसे वगैरह। तब इसको ओपन करते हैं, टेप खुल गया नहीं। पाओ कितने छोटू है, ब्लू कलर का क्यों आया, मैं पिंक बोल रहा हूँ, छोड़ो इसको। क्या आई अभी निकालती हूँ, निकल गया। कितना छोटू है, इतने हिस्से कितना अच्छा है। चलो उसको ओपन करके देखते हैं। वाओ, टूटता है ये, चलो इसको तोड़ते हैं। अच्छा देखो गाइस, मैं ये पतले पतले भी नहीं है जिसको लगाने के लिए इधर ऐसे। हाँ बस, अब ये लास्ट इसको कैसे। गाइस हमने इनके टू पार्ट चुरा लिए हैं और अभी इसका पार्ट चुराएंगे। ऐसे तो उसके बॉक्स होंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो उसके 6 होंगे पोर्शन और इसके भी 6, इसके भी 6। और यहाँ पर रखती हूँ, मतलब 4 पोर्शन ही लगाती हूँ। अभी गाइस मैं आपको इनको अरेंज करके दिखा लेती हूँ, फिर अब मुझे अरेंज करने दो। लगता है मैं अच्छे, बहुत सारे मैसेज आए तू बड़ी आवाज में टू टू करके। अरे कितने बॉक्स अरेंज कर दिया आपने? टू कर दिया मैंने पूरा। थर्ड लेके आओ, ये भी हो गया रेडी। Let's put it. मैंने 3 बॉक्स कर लिए हैं कंप्लीट। और ये है इनका ढक्कन, चलो इनको जुड़ा के देखिए। गाइस अपने मैंने बॉक्स बॉक्स भी रेडी कर लिए, अब मैं इनको रखती हूँ। हो गया, मैं यहाँ से बंद कर या इनको बाद में जुड़ाते हैं, पहले इन बॉक्सों को रख लेते हैं। एक मिनट, अच्छे से अब हो गया परफेक्ट। फाइनली बॉक्स रेडी हो चुका है, अब मैं इसमें डालूंगी ज्वेलरी। और कैसा लग रहा है, कितना छोटू और क्यूट है। चलो उसके अंदर अब मैं डालती हूँ अपनी ज्वेलरी। बस बहुत सारी क्लिप्स हैं, ये है पिंक कलर्स की और ये येलो कलर्स की। तो मैं इन सबको अलग अलग बॉक्स में डालूंगी। चलो खोलते हैं। ओके,
अब मैं चलो येलो वाली डालूंगी, पिंक वाली चलो ये डालती, लगता है दो में आएंगे। मामा भी हेल्प कर रही है मेरी, एक मिनट। कितने सारे बॉल हैं, छोड़ो हेयर्स बहुत सारे हैं, उसको सीधे आपके हेयर से तो आपके सर मिल गए। रुको थोड़ा सा मैं यहाँ पर डाल दूँ। हाँ हो गए, हम खत्म। बस अब मैं येलो वाली डालूंगी, लगता है ये भी टू बॉक्स में आएंगी। वो कौन गई, ये सेम है मेरे पास, टू क्लिप और पिंक कलर की ऐसी। गाइस अभी मेरी और भी ज्वेलरीज हैं क्लिप्स के अलावा ना, और भी हैं। वो जो आपको मैंने दिखाया था ना यूट्यूब पे, एक चैनल है यूट्यूब पे जो मैंने हेयर पिंस और उसके कानों के ईयरिंग, हाँ ईयर रिंग के बारे में करवाया, मतलब कि आप उसको देख लिया होगा किसी किसी ने जो यूट्यूब पे देखता है, फेसबुक पे देखता है, मेरे सारे चैनल पे देखता है, मतलब क्योंकि मेरे फोर चैनल हैं। टू को टू तो है ना, टू का नाम नहीं पता, टू चैनल बस, दो चैनल का नाम पता, फेसबुक और यूट्यूब बस, क्योंकि मैं फेसबुक ज़्यादा देखती हूँ बस। बस एक मिनट इसको यहाँ बता, क्या जानू यहाँ टू बॉक्स। अब मैं डाल रही हूँ अपनी फाइल और टू बॉक्स भी बचे। चलो अब मैं इसमें फाइल डालती हूँ, फाइल जितने भी होंगी। अब किसका नंबर है, तीन का शायद, मैंने सोचा था नहीं है कि आ गई, पर ये भी हो गया। अब दूसरे बॉक्स पे चलते हैं। अब मेरा दूसरा बॉक्स चल पड़ा है, तो मैं इसमें डालूंगी अपने छोटे छोटे रबर्ड बालों वाले, ये मोटू यहाँ पर रख देती हूँ एक्स्ट्रा, लग रहा है ये नहीं, यहाँ पर क्योंकि सेम को सेम के साथ साथ, ओहो इसके साथ तो कोई है ही नहीं, ऐसा करती हूँ उसको इसके साथ डाल देती हूँ और इसको इसके साथ डाल देती हूँ। अब मैं डाल रही हूँ अपनी एयरिंग स्टड, वो भी बटरफ्लाई की शेप्स में, चिल्ड्रन को डालते हैं, कितनी क्यूट और कलरफुल। इसको यहाँ रख देती हूँ, इसको यहाँ रेक्टेंगल शेप है तो इसके साथ, ये भी हो गया कलर है, इसको यहाँ क्यूट देख रहे स्कूल वाला, स्कूल जैसे ये यहाँ डालो। हो गया, अब मैं लास्ट बॉक्स में छोटी छोटी पिन डाल रही हूँ, देखो क्यूटी डालते, वाओ कितना पतला है ये, पूरी आ जाएंगी ब्लैक और वाइट जो इन रबड़ों के जैसे है, रेड, वाओ लवली होगा शायद। गाइस मेरे तीनों बॉक्स रेडी हो चुकी है, मैंने सारा सामान डाल दिया है। गाइस देखो कितना प्यारा है, लग रहा है ये इसके अंदर सामान डालती है, देखो कितने क्यूट लग रहा है। अगर आपको भी ये चाहिए तो अमेजोन और मीशो से कहीं भी मंगवा सकते हैं, अमेजोन और मीशो से। गाइस तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है गाइस, तो मेरे चैनल को लाइक करो, और आपको ये अच्छा लगा ज्वेलरी बॉक्स तो
लाइक कर देना। गाइस मैं यहीं पे ही ब्लॉग खत्म करती हूँ, तो अगली ब्लॉग में मिलेंगे। बाय। और मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलना।